हाय, डिड यू नो कि आज के एपिसोड में हम बात करेंगे राजा महाराजा और महल के बारे में। क्यों, है ना इंटरेस्टिंग बात। अब आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर किस राजा और किस महल की बात। वेल, आज मैं आपको बताने वाली हूँ पिंक सिटी यानी जयपुर के फेमस जल महल के बारे में। जल महल ऑफ जयपुर इज अ प्लेजर पैलेस। इट वॉज बिल्ट बाय महाराजा प्रताप सिंह एंड रिस्टोर्ड बाय महाराजा जय सिंह द सेकेंड इन द 18th सेंचुरी। जयपुर में अरावली पहाड़ियों की गोद में मानसागर झील के सेंटर में स्थित ये फेमस हिस्टोरिकल महल है। झील के बीचों बीच होने की वजह से इस महल को आई बॉल भी कहा जाता है। इसके साथ ही इसे रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता था। जयपुर जल महल पैलेस इज एन आर्किटेक्चरल ब्यूटी एंड इट वॉज मेंट टू बी यूज फॉर द रॉयल डक शूटिंग पार्टीज। इट वॉज डिवेलप्ड एज एन एंजॉयमेंट स्पॉट। बताया जाता है कि इस महल के निर्माण के पीछे की वजह पानी की कमी है। क्यों, चौंक गए आप? जी हाँ, वाकई में इस महल के निर्माण के लिए पानी की कमी रही है। 1596 में अकाल पड़ने पर अजमेर के किंग ने पानी की कमी को दूर करने के लिए एक डैम बनवाया था, जिसकी वजह से मानसागर झील बनी और फिर इसी झील के सेंट्रल एरिया में 1799 में जल महल का डेवलपमेंट सवाई जय सिंह ने अश्वमेघ यज्ञ के बाद अपनी रानियों के साथ स्नान के लिए करवाया। चांदनी रात में इस महल का खूबसूरत नजारा झील के पानी में देखा जा सकता है। यूं तो राजा इसका इस्तेमाल रॉयल पार्टी देने के लिए भी करते थे, लेकिन ये कभी जयपुर स्टेट के राजा का घर भी हुआ करता था। इस महल की सबसे खास बात ये है कि तपते रेगिस्तान के बीच बसे इस महल में गर्मी फील ही नहीं होती, क्योंकि इसके कई फ्लोर्स जो हैं वो पानी के अंदर बनाए गए हैं। इस महल से माउंटेन्स और लेक का खूबसूरत नजारा भी देखने को मिलता है। मूनलाइट में झील के पानी में इस महल का शैडो देखने में बेहद अट्रैक्टिव लगता है। जल महल अब बर्ड सेंचुरी के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। जल महल के नर्सरी में लगभग 1,00,000 से भी ज्यादा ट्रीज लगे हुए हैं, जिसकी देखभाल 40 गार्डनर्स करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमने आपके साथ पिंक सिटी के फेमस जल महल के बारे में ढेर सारे फैक्ट शेयर किए। कैसा लगा आपको इनके बारे में जानकर? आप अपना फीडबैक हमें इस नंबर पर कॉल करके या फिर मेल के जरिए दे सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर। गुड बाय।